हेलो गाइज, वेलकम बैक एंड टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट मेल आईडी यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग अब 2FA यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करना भी मैंडेटरी हो गया है। अब आप बिना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के गवर्नमेंट मेल आईडी यूज नहीं कर सकते, कि अब आपको टू स्टेप में वेरिफिकेशन करना होगा अपने गवर्नमेंट मेल आईडी को यूज करने के लिए, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल एंड लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में कवच इंस्टॉल करना होगा। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि किस तरीके से आप कवच को इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे फुल प्रोटेक्शन आपको मिलता है और आपको किसी भी तरह के साइबर क्राइम से आपके आईडी को प्रोटेक्ट करता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल या फिर अपने सिस्टम में कवच को इंस्टॉल करके अपने गवर्नमेंट मेल आईडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड यूज भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दे ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट मेल आईडी यूज़ कर रहे हैं तो आपकी मेल आईडी पे ये ऐसा मेल जरूर आया होगा रिमाइंडर के रूप में कि अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ऐसा मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको 2FA यूज करना है। इसके लिए आपको कवच इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल एंड अपने सिस्टम में। तो दोस्तों, पहले मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल में कवच ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे जाकर आपको टाइप करना है कवच, इतना लिखते ही दोस्तों आपके सामने कवच ऑथेंटिकेशन का ऐप आ जाएगा। इसे आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट द एग्रीमेंट कर लेना है और एक्सेप्ट एग्रीमेंट करते ही दोस्तों आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे गवर्नमेंट मेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक कोड सेंड किया जाएगा, वो कोड यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद आपका जो आईडी है वो इस ऐप पे रजिस्टर हो जाएगा और आप चाहे तो एक से ज्यादा आईडी को भी इस पे ऐड कर सकते हैं एड न्यू अकाउंट पे क्लिक करके। दोस्तों, इस ऐप का काम यही है कि जब कभी भी आप अपने मेल आईडी को लॉगिन करेंगे यानी गवर्नमेंट मेल आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपको इस ऐप के थ्रू उस एक्सेस को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कोड आता है, ये कोड टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों, इस ऐप में आप सेटिंग पे जाकर फिंगरप्रिंट प्रोटेक्ट लॉक को इनेबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको बस फिंगरप्रिंट लॉक को ओपन करके ही इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप कवच ऐप को यूज कर सकते हैं। सपोज अगर आप किसी भी डेस्कटॉप या फिर अपने मोबाइल में गवर्नमेंट मेल आईडी लॉगिन कर रहे हैं तो दोस्तों, इस ऐप पे आप इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, यहां से आपको सिंपली एक्सेप्ट करना है। अगर ये अनऑथराइज्ड एक्सेस है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका मेल आईडी जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से इसे आप डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको विजिट करना होगा kavach.mail.gov.in पे और इस साइट पे जाने के बाद दोस्तों आपको अपना गवर्नमेंट मेल आईडी एंटर करना है, उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन कर लेना है। उसके बाद अगेन आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसे आपको यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपका आईडी यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक आपको डाउनलोड सेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिंक दिया है दोस्तों। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप विंडोज पे क्लिक कर दें, अदरवाइज यहाँ पे मैक, लिनक्स और एंड्रॉइड के भी लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लें। यहाँ पे मैं विंडोज के लिए बता रहा हूँ, तो विंडोज पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो विंडोज पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको एक .msi फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसे आप सेव कर लें। सेव करने के बाद दोस्तों आपको उस इंस्टॉलर पे डबल क्लिक करके लॉन्च कर लेना है। लॉन्च करते ही दोस्तों इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो जाएगा, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये बाय डिफॉल्ट जो रहेगा उसी लोकेशन पे आपको इंस्टॉल करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से दोस्तों आपका जो ऐप है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और अगेन उसे ओपन करेंगे तो आपको दोस्तों जो आपने प्रोसेस मोबाइल में फॉलो किया था वही सेम प्रोसेस आपको इसमें भी फॉलो करना है। इसमें भी एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना होगा और लॉगिन करके ऑथेंटिकेट करना होगा इस तरीके से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।